दुनिया में कोई भी हो, कैसा भी हो, एक ना एक बार उसे सर में दर्द जरूर होता है। सर दर्द के बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे कॉमन कारण है टेंशन हेडेक। टेंशन के वजह से सर में दर्द होता है, और नॉर्मली टेंशन नहीं चढ़ जाती सर में, टेंशन की वजह से स्टिफनेस हो जाती है आपके शोल्डर, नेक, सर और गर्दन, जबड़े की मसल्स में। और इन मसल्स के इस जकड़न की वजह से आपके सर में दोनों तरफ धीमा धीमा दर्द होता है, क्योंकि जकड़ने जैसा स्क्वीजिंग पेन होता है दोनों तरफ से। नॉर्मली कई बार ये पीछे से शुरू होता है और सामने की तरफ आता है, इसे टेंशन हेडेक कहते हैं। ये स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से होता है। आपको ये हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत कम सो रहे हैं, सिगरेट या दारू बहुत ज्यादा पी रहे हैं, और खाना अगर आप स्किप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कैफीन आप ले रहे हैं, कॉफी चाय बहुत ज्यादा पी रहे हैं, तो आपको टेंशन हेडेक हो सकता है। सर में दर्द के और बहुत से कारण हैं, जैसे कि माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक, साइनस हेडेक, कोल्ड, सर दर्द कोल्ड या फीवर की वजह से भी हो सकता है, सर दर्द फ्लू की वजह से भी हो सकता है, और सर दर्द फीमेल्स में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले सरदर्द हो सकता है। और कई डेंजरस कारण भी हैं सरदर्द होने के, जैसे कि बहुत ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो सरदर्द हो सकता है, ब्रेन में दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो, इंफेक्शन हो, ट्यूमर हो, या कोई एनोमली आ जाए तो भी सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा यहां, इसे आप टेम्पोरल एरिया कहते हैं, यहां पर खून की नसें होती हैं, खून ले जाती हैं, तो इन खून की नसों में अगर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो जाए तो टेम्पोरल आर्थराइटिस नाम की बीमारी होती है, सीरीज की वजह से भी सरदर्द होता है। सरदर्द के इतने सारे कारण हैं। माइग्रेन में बहुत सीवियर हेडेक, बहुत जोर से सरदर्द होता है, और ये विजन, लाइट, साउंड से रिलेटेड होता है। अगर मान लीजिए आपने तेज लाइट की वजह से सरदर्द होना, या बहुत जोर से आवाज की वजह से सरदर्द होना, और माइग्रेन में सरदर्द पल्सेटिंग होता है, तेज पल्सेटिंग होता है, और माइग्रेन का जो सरदर्द होता है ये सर के किसी एक तरफ से शुरू होता है, कोई भी एक तरफ से शुरू होता है नॉर्मली, और ये हो सकता है कि दोनों तरफ फैल जाए। माइग्रेन में एक ऑरा नाम की चीज भी होती है, यानी जिनको रेगुलरली माइग्रेन होता है उनको दर्द होने से पहले पता चल जाता है कि उनको सरदर्द होने वाला है, इसे कहते हैं ऑरा। ये माइग्रेन के लिए बड़ा स्पेसिफिक होता है, और माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स होते हैं सरदर्द के, जिन ट्रिगर से माइग्रेन का अटैक आता है। माइग्रेन का अटैक का मतलब सरदर्द। ये ट्रिगर्स खाने में हो सकते हैं, जैसे कैफीन, चॉकलेट, कोई फूड, एमएसजी, इन टाइप के खाना जो है कुछ खाने से आपको ट्रिगर आ सकता है, या फिर दारू पीने से, या कम सोने से, इनसे भी ट्रिगर हो सकता है माइग्रेन हेडेक। क्लस्टर हेडेक भी बहुत तेज दर्द होता है, और ये करीब एक घंटे तक होता है, और ये डेली होता है, और ये दिन के एग्जैक्ट उसी वक्त होता है, या सुबह तो सुबह ही, रात को तो रात को ही, और ये महीने में कई दिनों तक हो सकता है, और अपने आप फिर ठीक हो जाता है, और फिर कई हफ्ते, कई महीने तक फिर शायद वापस ना आए, कईयों में फिर वापस आता भी नहीं है, लेकिन ये वापस आ सकता है। आपके चेहरे में कई हवा के गोले हैं, यहां पर है, दो यहां है, दो यहां है, दो यहां है, दो यहां है, इन्हें साइनसिस कहते हैं, एयर साइनसिस। अगर इन साइनसिस में प्रेशर बढ़ जाए और इनमें सूजन आ जाए, या इसमें म्यूकस होता है, तो सर्दी की वजह से इसका म्यूकस गाढ़ा हो जाए, बढ़ जाए, इसमें सूजन आ जाए, तो आपको साइनस हेडेक होगा। साइनस हेडेक सबसे कॉमन सर के सामने और चेहरे में पाया जाता है। साइनस हेडेक के कुछ और टिपिकल फीचर्स हैं, जैसे कि ये सुबह सुबह पहली बार जब आप उठते हैं तब सबसे ज्यादा होता है, और जब आप सामने की तरफ झुकते हैं तो ज्यादा होता है। तो साइनस हेडेक के ये फीचर्स होते हैं। साइनस हेडेक को ठीक करने के लिए आप साइनसिस के इन्फ्लेमेशन के लिए कम करने की दवा लेते हैं, जब वो ठीक हो जाता है तो साइनस हेडेक ठीक हो जाता है। अब हेडेक को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप घर में कर सकते हैं जिससे आपका हेडेक ठीक हो सकता है। जैसे कि अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप पानी ज्यादा पीजिए, क्योंकि अगर खासकर हेडेक के साथ उल्टी भी आ रही है तो आपको डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। एक शांत अंधेरे कमरे में आप रेस्ट कीजिए, एक ठंडा कपड़ा लेके उसे अपने सर के ऊपर रख लीजिए, और जो भी आपको रिलैक्सेशन टेक्निक, योगा या मेडिटेशन आप जानते हैं आप वो करें। इनके अलावा आप दवा भी खा सकते हैं। टेंशन हेडेक के लिए आप प्लेन पैरासिटामोल या ब्रूफेन खा सकते हैं। अगर आपको सर में दर्द
तीन से ज्यादा दिन तक हो रहा है तो आपको उसके टेस्ट कराने चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कुछ और ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो आपको तुरंत इमरजेंसी या डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। ये वो लक्षण है जैसे कि अगर आपको तुरंत बहुत तेज सर में दर्द हो, ऐसा जैसे आपको लगे कि सर फट जाएगा इसी वक्त, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर सर में दर्द आपकी डेली एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर कर रहा है, आपको आपके काम नहीं करने दे रहा है, तो भी आप तुरंत डॉक्टर से सलाह करें। अगर आपके सर दर्द के साथ आपकी स्पीच, आपके बोलने के तरीके में, आपकी आवाज में, आपके विजन में, आपके बैलेंस में या आपके हाथ पैर की ताकत में कोई कमी आ रही है तो तुरंत बिना कोई टाइम वेस्ट करे, एक घंटा भी इंपॉर्टेंट होता है ऐसे में, आपको तुरंत इमरजेंसी जाना चाहिए, क्योंकि ये साइन है कि आपके दिमाग के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई है, जब ब्लीडिंग हुई है, ट्यूमर हुआ है, या इंफेक्शन हुआ है, या कोई एनोमली हुई है। अगर सर दर्द आपका 24 घंटे में बढ़ता जा रहा है तो भी आप इमरजेंसी जाके बताइए। अगर आपको सर दर्द के साथ बुखार है और आपकी गर्दन में स्टिफनेस है, या आप ऐसे देख सकते हैं कि आप अपने चिन को अपनी छाती में टच करके देखिए, अगर वो टच हो पा रही है तो आपकी गर्दन में स्टिफनेस नहीं है। अगर आपकी गर्दन में स्टिफनेस है तो आपको मेनिनजाइटिस हो सकता है, वो है दिमाग का इंफेक्शन। इसमें तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, इलाज कराइए, जानलेवा भी हो सकती है ये बीमारी। अगर आपको सर में दर्द के साथ उल्टी आ रही है, उकाई आ रही है बार बार, तो भी ये दिमाग का इंफेक्शन हो सकता है और कई ऐसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। उल्टी को लाइटली नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको सर दर्द किसी एक आंख में है या आंख में लाल बना रहा है तो भी ये खतरे की निशानी है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, सर दर्द को लाइटली नहीं लेना है। आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों सबको सर दर्द होता है, कभी ना कभी होता ही है, इसलिए सबको ये बातें आपको बतानी है, शेयर करनी है। और सर दर्द को प्रिवेंट करने के लिए ठीक तरीके से सोना, सही तरीके से खाना खाना, तीन टाइम, डोंट मिस अ मील, खाना मिस नहीं, कोई भी खुराक मिस ना करें, 6 से 8 घंटा दिन में जरूर सोएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, कैफीन चाय कम से कम लें, दारू सिगरेट बंद करें, कम से कम करें, और योगा मेडिटेट करें, रिलैक्स करें। अगर आपको सर में दर्द होता है, जस्ट लेट गो, रिलैक्स करें, जाने दीजिए, जो भी बात है, जो भी स्ट्रेस है, फिर देख सकते हैं उसे, रिलैक्स करें, रेस्ट करें और ये वीडियो शेयर करें सबको। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाइए, ताकि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। ये हमारी कोशिश है आप सभी को बीमारियों से अवगत कराने की, उनके बारे में समझाने की। इसमें आपके साथ की जरूरत है, आप देंगे ना।